पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है और कारण यह है वहाँ बाघ का मिलना। जी हाँ, मंगलवार को डुमरवाना के आम के बगीचे में बाघ मिला। कुछ बच्चे जो आम के बगीचे में गए थे उन्होंने बाघ को देखा और उसके बाद वो इस बात की सूचना दिए। बाघ को देखने के लिए भारी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए लेकिन सभी दहशत में थे। इसकी जानकारी तुरंत गांव वालों ने वन विभाग को दी और वन विभाग के कर्मी और DFO स्वयं रेस्क्यू टीम लेकर वहां पहुंच चुके हैं। बाघ को देखने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई है लेकिन भारी वर्षा हो रही है जिसके कारण वन विभाग को रेस्क्यू करने में भी परेशानी आ रही है। वहीं पटना से ट्रैंक्विलाइजर मंगाने की बात हो रही है और जब तक ट्रैंक्विलाइजर नहीं आ जाता तब तक बाघ पर काबू पाना मुश्किल है। दूसरी बात है कि यह रिहायशी इलाका है इसलिए भी सावधानी बरती जा रही है। यहाँ बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और ऐसा बताया जाता है कि एक बाघ एक दिन में लगभग 200 किलोमीटर चलता है लेकिन बूढ़ा हो जाने के बाद वह यही दूरी दो दिनों में तय करता है। अब देखें कि जब बाघ को जंगल में शिकार नहीं मिलता तभी वह जंगल से बाहर निकलता है और खासकर नदी के किनारे उसे शिकार मिलते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नदी के किनारे गंडक के किनारे होते हुए ये बाघ यहाँ तक पहुँचा होगा।